और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीकर में हुए शूटआउट की, झुंझुनू के गुड़ागौरजे से बड़ी खबर आप जान लीजिए। राजू ठेहट मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। बड़ा अपडेट ये कि गुड़ागौरजे के पौंक गांव में मुठभेड़ हुई है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जानकारी मिल रही है। पौंक अस्पताल में चल रहा है दोनों का इलाज। आईजी उमेश चंद्र दत्ता और सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप मौके पर मौजूद हैं। पौंक अस्पताल में दोनों अधिकारी मौजूद हैं। झुंझुनू एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह भी मौजूद हैं। पौंक अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया है। ये बड़ी अपडेट आपके सामने, राजू ठेहट हत्याकांड मामले से जुड़ी थी। तो गुड़ागौरजी के पौंक गांव में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है दोनों का। आईजी उमेश चंद्र दत्ता और सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर लगाया गया है। पौंक अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आज पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पल पल की अपडेट जी राजस्थान इस हत्याकांड से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि गुड़ागौरजी के पौंक गांव में दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दरमियान दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पौंक अस्पताल में आईजी उमेश चंद्र दत्ता और सीकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप मौके पर मौजूद हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि भारी पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है पौंक अस्पताल के बाहर। तो ये बड़ी अपडेट है राजू ठेहट हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई। और देखिए आप ये भी जान लीजिए कि एडीजी क्राइम इस मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे किए जाएंगे, बताया जाएगा कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये भी बताया जाएगा कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो कौन सी गैंग से जुड़े हुए हैं। ये भी बताया जाएगा कि कॉल डिटेल्स की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस की तरफ से इसको लेकर बयान सामने नहीं आया है। और कई बड़े खुलासे किए जाएंगे प्रेस वार्ता के जरिए एडीजी क्राइम रवि की ओर से। तो अब से कुछ देर का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है ये कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, दो के पैर में गोली लगी है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। और इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर क्या लिखा है वो आप जान लीजिए। कल सीकर में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों को मैं हथियार और यहाँ पर वाहन गिरफ्तार कर लिया गया। इनके वाहन जो है जब्त कर लिए गए, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी आरोपियों को त्वरित ट्रायल करके अदालत द्वारा जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा, और इसी की मांग की जा रही थी। पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में आरोपी पकड़ना बड़ी बात थी। इसमें गैंगस्टर आए थे, बाहर से भी आए, वहाँ के बच्चे। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज भी ये जो गैंग बने हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं अन्य राज्यों से। हरियाणा भी है और भी राज्य है, तो हम लोग पूरा मुकाबला करते हैं, मुकाबला आगे भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना, ट्वीट भी उनकी ओर से किया गया कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। और लगातार सहयोगी अशोक इसी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अशोक, ताजा अपडेट कि इनको सबको घायलों को पहले सीकर एसके अस्पताल में लाने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन फिर लाइन ऑर्डर की समस्या के चलते इन घायलों को सबको जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। बाकायदा एस्कोर्ट करती हुई गाड़ियां एम्बुलेंस में लेकर के जो आरोपी हैं जिनके गोली लगी है, इन सभी आरोपियों को एसएमएस के लिए रवाना हो गए हैं। करीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में ये जो है जयपुर एसएमएस में भर्ती करा दिया जाएगा और वहां इनका इलाज किया जाएगा। और 1:30 बजे जो है एडिशनल डीजीपी क्राइम जो है रवि मेहरडा सीकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी घटनाक्रम की जानकारी देंगे। पहले जो था इनको सीकर के एसके अस्पताल में लाने का प्लान किया गया था, इसके चलते यहाँ पे भारी जाब्ता जो है तैनात कर दिया गया था। लेकिन फिर लास्ट में जो जानकारी हमारे सूत्रों के अनुसार है कि प्लान चेंज किया गया,
क्योंकि किसी तरीके की, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो सीकर के एस के अस्पताल के मोर्चिल के बाहर ही बैठे हुए हैं। हाँ। और ऐसे में बड़ा जो है स्थिति अनकंट्रोल हो सकती थी घायलों को यहाँ लाने पे, इसके चलते प्लान चेंज करके सभी को SMS के लिए रवाना कर दिया गया है और करीबन 1 से 1.25 घंटे के बीच में, 1.5 घंटे के बीच में जो है वो जयपुर पहुंच जाएंगे। जी। अच्छा ये बताइए अशोक, क्योंकि जानकारी तो ये भी थी कि इसके जो तार थे राजू ठेहट के वो ना केवल सीकर बल्कि जयपुर से भी जुड़े हुए थे, तो ऐसे में जयपुर में लोकेशन पहले सीकर थी उसके बाद जयपुर कर दी गई है, तो वहां पुलिस की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से कितना इंतजाम? देखिए जो घायल हैं उनका इलाज कराना भी प्राथमिकता है, अपराधी हैं लेकिन इनका इलाज कराना भी, क्योंकि गोली लगने से घायल हुए हैं, मुठभेड़ हुई है पुलिस से, बाकायदा आमने सामने की फायरिंग हुई है जिसमें दो जो हैं ये दोनों आरोपी, जो दो आरोपी हैं इनके पैरों में गोली लगी हुई है, तो इनका इलाज कराने के लिए जो है वो जयपुर लेकर के गए। इसके अलावा सीकर लाने में लाइन ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने की थी कि सीकर बंद है, आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, सीकर में रैली निकाल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में पुलिस किसी भी तरीके की कोई अप्रिय वारदात नहीं हो, इसी के चलते पुलिस ने जो है इनको सबको घायलों को जयपुर SMS में इलाज कराने का प्लान किया और इनको SMS के लिए रवाना कर दिया गया। अच्छा ठीक है, ये बताइए अशोक, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कितना वक्त और? करीबन 1.5 बजे का समय जो है वो मीडिया को दिया गया है और एडिशनल DGP क्राइम जो है वो रवि महरडा ये प्रेस को ब्रीफ करेंगे, पूरी घटनाक्रम की जानकारी देंगे कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, पत्रकारों के सवाल भी देंगे क्योंकि काफी सारे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन सी गैंग का हाथ था, ये तमाम सवाल हैं, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरीके से आरोपियों को पकड़ा गया, ये ब्रीफ जो है वो रवि महरडा प्रेस को 1.5 बजे करेंगे। जरा ये बताइए अशोक, क्योंकि तमाम मांगों को लेकर धरना भी दिया जा रहा है समर्थकों की ओर से, तेजा सेना की ओर से, धरना स्थल पर अभी पार्टी का कोई नेता पहुंचा है? देखिए कल रात का जो अगर बात करें तो भाजपा के बड़े नेता, सांसद और पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे थे, इसके अलावा जो लाडनू विधायक है मुकेश भाकर वो पहुंचे थे, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी वो भी पहुंचे थे, फिलहाल तेजा सेना और इनके जो समर्थक है काफी संख्या में वो जो है धरने पर बैठे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, उनकी मांग है कि जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जो मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन साथ में ताराचंद जो जिसको गोली लग गई थी अपने बच्ची की फीस जमा कराने आए थे उसके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा सरकारी। ठीक है अशोक, आप नजर बनाए रखिएगा महत्वपूर्ण जानकारी अपने इस खबर को लेकर साझा की, बहुत धन्यवाद आपका।